हेलो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन क्वेश्चन द द सेज दैट कॉस्ट ऑफ टू पेंसिल्स फाइव इरेजर्स एंड एट शार्पनर्स इज रुप फोर्टी सेवन कॉस्ट ऑफ थ्री पेंसिल्स थ्री इरेजर्स एंड सेवन शार्पनर्स इज रुप फोर्टी टू फाइन द कॉस्ट ऑफ ट्वेल्व पेंसिल्स थ्री इरेजर्स एंड एटीन शार्पनर्स इन गिवन इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कॉस्ट ऑफ टू पेंसिल फाइव इरेजर और एट शार्पनर का कितना गिवन है पास कॉस्ट रुपीज फोर्टी सेवन उस तरीके से यहां पे कॉस्ट ऑफ थ्री पेंसिल थ्री इरेजर एंड सेवन शार्पनर कितना है फोर्टी टू रुपीज है फाइंड क्या करना हमें कॉस्ट ऑफ ट्वेल्व पेंसिल थ्री इरेजर्स एंड एटीन शार्पनर्स चलिए इसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप यहां लिखेंगे सबसे पहले हम लोग कि लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इट्स इक्वल्स टू रुपीस एक्स मान लिया हमने कॉस्ट ऑफ वन इरेजर इट्स इक्वल्स टू रुपीस वाई मान लिया हमने एंड कॉस्ट ऑफ वन शार्पनर यहां पे क्या लिखेंगे शार्पनर राइट right? इक्वल्स टू रुपीस हमने क्या मान लिया पे जेड मान लिया अब यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ लिखेंगे कि टू पेंसिल्स फाइव इरेजर्स एंड एट शार्पनर्स यानी कि टू एक्स प्लस फाइव वाई प्लस एट जेड इट्स इक्वल्स टू कितना हमारे पास फोर्टी सेवन है इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं अब यहां पे कहा जा रहा है कि थ्री पेंसिल थ्री इरेजर एंड सेवन शार्पनर्स क्या लिखेंगे यहां पे थ्री एक्स प्लस थ्री वाई प्लस सेवन सेड इच इक्वल्स टू फोर्टी टू सेकेंड मान लेते इक्वेशन राइट यहां पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन बाई टू वी गेट यहां पर क्या हो जाएगा मेरे पास सिक्स एक्स हो जाएगा प्लस सिक्स वाई हो जाएगा प्लस सेवन टू जब फोर्टीन यहां पर जेड हो जाएगा इजकल टू फोर्टी टू टू जो एटी फोर हो जाएगा राइट और यहां पर पहला इक्वेशन क्या था मेरे पास यहां पर पहला क्वेश्चन था टू एक्स प्लस फाइव वाई प्लस एट जेड इजकअल टू फोर्टी सेवन तो यहां पर क्या लिखेंगे यहां लिखेंगे टू एक्स प्लस फाइव वाई प्लस यहाँ पे क्या है एट जेड है राइट right? तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एट जेड इज इक्वल टू कितना गिवन था हमारे पास ये फोर्टी सेवन था सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हमने हम लोग तो यहाँ पे सब करने कितना हमारे पास सिक्स एक्स माइनस टू एक्स यानी कि फोर एक्स फिर प्लस यहाँ पे वाई हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में सिक्स जेड इज इक्वल्स टू एटी फोर माइनस फोर्टी सेवन थर्टी सेवन इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं हम क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन थ्री बाई थ्री करते हैं यहाँ लिखेंगे वी गेट यहां पे कितना फोर्थ ट्वेल्व एक्स प्लस थ्री वाई प्लस एटीन जेड इज इक्वल्स टू थर्टी सेवन थ्री कितना आएगा वन हंड्रेड एलेवन आ जाएगा राइट सो यहां पे हम लिखेंगे क्या फाइनली कि हैंस द कॉस्ट ऑफ ट्वेल्व पेंसिल्स थ्री इरेजर्स एंड एटीन शार्पनर इट्स इक्वल्स टू कितना है मेरे पास रुपीज वन हंड्रेड एलेवन आ गया ये हमारा क्या रिक्वायर्ड आंसर है और यहां फाइनली क्या लिखेंगे हम लोग कि हैंस ऑप्शन कौन सा करेक्ट है यहां पे देख लेते हैं ऑप्शन डी करेक्ट है ऑप्शन डी इज करेक्ट इसको लेटर से क्या करेंगे मार्क कर देंगे यहां पे हम लोग ये हमारा आंसर आ गया है रुपीज वन ऑप्शन डी करेक्ट है 111 हंड्रेड एलेवन राइट सो आई होप यू अंडरस्टूड द देशन थैंक यू ऑल द बेस्ट